अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। नाज़रीन, नेप्रा की जानिब से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी, 1 रुपये 28 पैसे की बड़ी कमी। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं है, यानी कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्या समझते हैं ये बात, कराची वाले क्या कहते हैं इस बात में, क्या रिएक्शन देते हैं, चल के कराची वालों से भी पूछते हैं। चलें, नेप्रा ने 1 रुपये कुछ पैसे कम कर दिए हैं बिजली पे, लेकिन कराची वालों को छोड़ दिया, यानी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के अलावा। कराची के लिए यार क्या कह सकते हैं कि कराची को कैसे कैसे तोहफे मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। कराची सो रहा है, ये सोता ही रहे, सो गए हैं या सो सो रहा है। कोई नहीं सुलाता यार, नींद आती है हमें, खुद आती है रात को आती है, कोई सुलाता थोड़ी है, खुद सो गए, खुद सो गए, हम सो गए, सब सो गए, उठेंगे जागेंगे इंशाल्लाह, अपने अमाल सही करेंगे तो। अच्छा, उम्मीद वैसे यहाँ पर क्या नहीं, उम्मीद माशाल्लाह कोई भी नहीं है, माशाल्लाह कोई भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं। अच्छा दौर अल्लाह लेके आएगा, क्योंकि हम लोग पहले किसी का दौर अच्छा देगा, शुरू में अच्छा ही दौर देखा यार, मतलब कोई ऐसा कि ये अच्छा बड़ा दौर था, 80s में बड़ा अच्छा दौर, कोई कौन थे उस वक्त, अगर मैं पॉलिटिशियन का नाम लूं भाई, ये इस दौर ये बंदा था कि कुछ करने का, यार हमारा पॉलिटिशियन तो कोई भी नहीं था बेटा, कोई भी अच्छा नहीं था, इसके ऊपर रवि चला रहा है और रवि चलाता रहेगा, बस ये है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है सबसे गंदी कौम है पूरी दुनिया में। नेप्रा की तरफ से एक तो खुशखबरी है कि नेप्रा ने जो है वो 1 रुपये कुछ पैसे जो है वो बिजली सस्ती कर दी, लेकिन पूरे मुल्क के लिए, कराची के लिए नहीं है। कराची वाले तो वैसे ही बेटा परेशान है और परेशान ही रहेंगे मुझे लग रहा है, जैसे कराची के लड़कों के साथ बहुत ज्यादा होती है क्रिकेट में, हमेशा से होती आई है और होती रहती है मुसलसल, ये हमने बात सुना भी है कि मतलब कराची के लड़कों के साथ, लेकिन जितने टैलेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अपना 7 लड़के वर्ल्ड कप 87 के वर्ल्ड कप में 7 लड़के कराची के खेले थे। एक जिंदा मिसाल दूंगा कि मैंने एक छोटा सा ग्राउंड लिया था, उसकी लाइट काट दी, मैंने अपने पास से पैसे लगा के किए, लगाए हैं, टोटल जितने भी खर्चा हुआ मैंने अपना खर्चा किया उस ग्राउंड पे, वो तो धरने के लिए भी, इलेक्ट्रिक के लिए खराब निकले थे, वो रेट बढ़ा के आ गए हैं, तो सारे काम वो कराची वालों के लिए किसी ने बेहतर किया ही, मुझे ये बता अभी बेहतर हुआ, अभी चल के दिखा देता हूँ आपको, 11C का जो रोड बन रहा है सिर्फ चेपियां लग रही है, सिर्फ छोटी छोटी सी, पूरा रोड खराब है। कराची वाला तो वैसे जुल्म होता है, क्या क्या जुल्म शहर है कराची वाला, बताए हाई फेयर इलेक्ट्रिसिटी से हाई टैरिफ है सब कुछ, इसके अलावा भी और चीज़ें अगर मैं कराची की बात करूं तो मज़ीद हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी मेरे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी लंबे लिस्ट बन जाएगी आपको, कराची कराची को छोड़ के सब कुछ हर जगह काम हो जाता है सिवाय कराची को छोड़ के, वजह क्या लगता क्या है, बस बहुत सारी वजह है, एक कोई भारी वजह क्या आपको लगता है कि हाँ हम बोले कि हाँ यार ये बात, हम कराची वाले हैं इसलिए, बस कराची वाले हैं। अच्छा, निकल भी तो नहीं ना कुछ, कहते भी तो नहीं कराची वाले भी शहर हैं बस, यार मसला ये है कि निकले लेकिन मसला ये कुछ होता नहीं है, और निकल के गरीब आदमी अगर काम से निकलेगा तो कमाएगा क्या, सारे लोग इसी चक्कर में नहीं निकलते, ऐसी बात लेकिन है। पेट्रोल सस्ता होने वाला होता है तो लाइन लगाई भी होती है, पेट्रोल सस्ता करते उसके बाद महंगा कर देते हैं, हाँ फायदा कुछ नहीं होता, फायदा कुछ नहीं, लेकिन लाइन तो लगाई भी होती है ना वहाँ, तो कब तक चलेगा पैसा, पेट्रोल कितना भरवा लेंगे आप कराची के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि खाई पूरा पाकिस्तान कराची से रहा है भाई, तो अगर यहाँ पे सहूलत दे देंगे, यहाँ सहूलत दे देंगे तो भी पूरा पाकिस्तान खाएगा कैसे, कराची की वजह से पूरा पाकिस्तान, रिलीफ ही देना नहीं, रिलीफ किसी चीज़ में भी नहीं, हर चीज़ में महंगाई, गैस देख लो ना, 200% ऊपर चले गई है गैस, छोटे से छोटे घर का बिल 5,000-6,000 रुपये गैस का आ रहा है, और बिजली का तो भाई, बिजली का तो 25,000-30,000 रुपये से नीचे नहीं है, महंगाई है, बिजली है, गैस है, ये है वो है, कोई एक चीज़ खटा नहीं होगा यार, ये चीज़ ख़त्म हो जाए यार बस, फिर ज़िंदगी जो है ना पूरी भी वो चलना शुरू हो जाएगी, तो क्या चीज़ होगी, बिजली का बिल ख़त्म करो, बिजली का बिल, मैं तकरीबन यहाँ पूछता हूँ, मुझे हर बंदा ये जवाब देता है कि बिजली का बिल मुश्किल हो गया है, अब वो भाई घर के रेंट से ज़्यादा बिजली का बिल है ना यार, घर का रेंट अगर 20,000 है तो बिजली का बिल 25,000 रुपये 50,000 हो गए यहाँ पे, खाएगा कहाँ से गरीब बंदा, ये बताओ ना मुझे, खाएगा कोई दौर अच्छा देगा, दौर मुशर्रफ का दौर था अच्छा, उसके बाद कराची वाले हैं, कराची वालों को भी रिलीफ दो, सारा पाकिस्तान कराची छोड़ के सबको रिलीफ दिया हुआ है, बोलेंगे कराची वालों के लिए तो हो ही रहा है, जुल्म हो ही रहा है, हर चीज़ में हो रहा है, किसी एक चीज़ में थोड़ी हो रहा है,
सौतेले हैं हम लोग, क्या है समझ से बाहर है भाई। सौतेले क्या? ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात बोली, क्योंकि एक चीज में नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर निजाम देखें, सरजानी से लेके आप किस शहर में कहीं चले जाएं, भूत बन के निकलते हैं। हम बाइक पे जा नहीं सकते, जिधर रोड पे जाएंगे वो रोड खुदा हुआ है, तो बेड़ा गर्क तो हुआ हुआ है। और मैं क्या कर सकते हैं, किसको बोल सकते हैं। एमकेएम का दौर था जब काम हुआ, मुस्तफा कमाल ने काम दिया, मुस्तफा कमाल जब था उन्होंने काम किया कराची के लिए, बहुत काम किया। अब तो लवारिस हुआ हुआ कराची, तो अभी भी तो कर रहे ठीक है है, लेकिन वो चीजें नहीं है, इख्तियारात नहीं है हाथ के अंदर। पीपल्स पार्टी कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, मैंने न्यूज में देखा है कुछ कुछ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हाल है। मेरे ख्याल से जिन चीजों पे काम करवाना चाहिए वो चीज वो नहीं पा रही है। आप देख लेना, आप हाल देख लें, रोड का हाल देख लें। बहुत भाई, कराची है तो पाकिस्तान है, सब कुछ है। कराची तो जितना कमा के दे रहा है कोई भी नहीं कमा, सबको पता है। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम, और से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। सर, आपको पता चला कि नेपरा ने जो है एक रुपए कुछ पैसे जो है वो कम किए हैं पूरे मुल्क के अंदर सिवाय कराची के, मतलब कराची में नहीं है, कराची को वही देना है। कराची को क्यों वो देने हैं भाई, कराची के लिए भी कम होने चाहिए। हमें तो पे करने होंगे ना, हम तो महंगाई का फेस कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज़ महंगी है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, 100-107 यूनिट के 18-18 हज़ार रुपये के, 15-15 हज़ार रुपये के बिल फेंक रहे हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है बिल पे करना, कितना मुश्किल है बिल पे। बस समझो महीने की आमदनी इतनी हो रही है कि इलेक्ट्रिक का पूरा कर दें तो यही बहुत है। अच्छा बिल्कुल सर। और बाकी अब घर के लिए, घर के लिए तो हर बंदे के लिए मुश्किलात हैं, जिस बंदे से आप पूछ रहे हैं वही बंदा रो रहा है, आटे के लिए परेशान है, आटा महंगा है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज महंगी है। नहीं आपने बताया जैसे भाई पूरा इलेक्ट्रिक का बिल है वो उसी के अंदर तनख्वाह निकल जाती है, उसके बाद तो मांग मांग के गुजारा चल रहा है भाई, 1000 आप दे दें, 500 आप दे दें, 1500 आप देते हैं, वो भी उधार अलग चल रहा है जिंदगी में, वो भी तो उतारना है ना भाई। तो ये आप ये उनसे बोले ना, नेपरा वाले हुकूमत से बोले कि हमारे कराची वालों के लिए भी जो है वो रेट कम किए जाएं। भाई सुनता ही कोई नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं बोल सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ। कैसा चल रहा है काम जी बताएं? काम तो सर जी ऐसे ही चल रहा है, बस मेडिसिन महंगी, हर चीज़ें महंगी, खुर्दनोश अशिया जितनी हैं सारी चीज़ें महंगी हैं, और लोगों की जो है खरीद की सकत ख़त्म हो चुकी है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा जो है मतलब परेशान है, चाहे वो 1 लाख रुपये सैलरी कमा रहा हो तो भी परेशान है, जो 50,000 कमा रहा है वो भी परेशान है। अभी नेपरा ने जो है वो, आप सॉरी बात काट रहा हूँ, नेपरा ने जो अभी 1 रुपये कुछ पैसे जो है वो बिजली के रेट कम किए, लेकिन कराची को छोड़ दो। हाँ तो सर जी कराची तो सबको पालता है, कराची का कोई भी नहीं है, जो यहाँ के लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान हैं, सबसे हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ कराची में बसते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के लोग हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, महाजिर हों, उर्दू बोलने वाले सारे लोग जो हैं मेहनती है। मैं खुद भी बाय प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, आल्सो MBA फ्रॉम इंग्लैंड, बट ये कि जॉब नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। हर महकमे में अप्लाई किया, कहते हैं कि आप जो एज लिमिट क्रॉस कर गए हो, ठीक है ना। मैंने कहा यार किसी से मुझे रनिंग करा लो, पता चलेगा आई एम यंगर या ओल्ड पर्सन। तो ये सारी चीज़ें असल में पाकिस्तान जो बना था सर जी, पाकिस्तान बहुत सही बना है, सही वक्तों में बना, लेकिन पाकिस्तान किस गलत हाथों में चला गया, चलाने वाले सही नहीं मिले भाई, बंदरबांट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी पैसा आता है कराची में, इतने अभी बजट मिले हैं, जहाँ तक रोड जो है मिसाल के तौर पर बाड़ा मार्केट से लेकर डबल लाइन के स्टॉप तक अगर टेंडर पास किया है कि कारपेटिंग करनी है, तो वहाँ पे पैचेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बारिश की दे रहे हैं बस, एक बारिश की दे रहे हैं, और उसमें मटेरियल कैसा लगा है नाके से आप देख लें। इंग्लैंड में या किसी और दूसरे कंट्री में अगर मटेरियल लगाते हैं तो सालों साल चलता रहता है कोई, हालांकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है, चेक एंड बैलेंस नहीं है असल में। यहाँ पे टेंडर पास करने वाले रिश्वत देता है, ठीक है जी। जो ले रहा है वो पैसे देगा तो टेंडर मिलेगा, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मैं अगर पैसे दूंगा लाखों में तो मुझे टेंडर मिलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं मिलेगा टेंडर। ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो है समझे कि किक बैक चलता है, जो कि बहुत है मशहूर ज़माने के, हमारे यहाँ के हुक्मरान भी रह चुके हैं, किक बैक के बारे काम नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। और ये एक जो चीज़ें हम जिस तरीके से हमें नज़र आती हैं कि जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि भाई नेपरा ने रेट तो कम किए लेकिन इलेक्ट्रिक के ऊपर काबू नहीं पा रहे, क्या मतलब है क्या वो नहीं पाएंगे इसलिए कि देखें हमारे जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी बड़े एफर्ट्स कर चुके हैं, वो भी एहतजाज धरना जलसा सब किया, बिजली बढ़वा कर वो बढ़ गया था, लेकिन ये कि इसका कोई सलूशन कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कि सबके उसमें शेयर्स हैं, क्योंकि कराची में जो है नोटों की बारिश हो रही है, और यहाँ पे सारे लोगों पर इतने पैसे जितना बोझ डालो उनके लिए कम है, लेकिन उनको सारी मुजाफाती बस्ती उनको नज़र नहीं आता।
कि भाई जो है गरीब भी रह रहे हैं यहाँ पे, मिडिल फैमिली भी रह रही है, हाई मतलब है कि क्लास के लोग रह रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास वाले जो है बेहतर हैं मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास से। उसकी बेसिक वजह है कि लोअर क्लास के लोग जो हैं उनके पास एक महदूद वसाइल होते हैं, उसी हिसाब से खर्चा करते हैं, उनको पता नहीं शाम को अपनी दिहाड़ी लगाई रात को जाके सो गए। मिडिल फैमिली को बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी होती है, बच्चों को एजुकेशन से लेकर हर चीज़। अब एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, वैन का किराया देखें 5,000 रुपये फी बच्चा लेते हैं, वो बुक्स महंगी हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कराची के साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है, क्यों ज़्यादती हो रही है, ऐसा क्यों है? यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इनका सिस्टम आप देखिए कि अगर 200 यूनिट से कम होता है तो ये 5-6, 5-4.5 हज़ार का बिल देते हैं, और अगर 7 मेरा इस दफ़ा 7 यूनिट ज़्यादा आया है, 10,178 रुपये का बिल आया है, और मैंने जाके वहाँ बात की तो ये इंटरेस्ट है नहीं है, सूद है, सूद है, उसके बाद भी लोग मानते ही नहीं है। आपको तो देना भी पड़ रहा है ना सर, इनका कोई बासपुरस करने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, इस पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफिज़ है बस। मैं आपसे मैं अगर इस्तेमाल करूं कि बिजली का बिल, गैस, महंगाई, सौदा से लोग क्या चीज़ जो है वो यार ये कम हो जाए ना तो घर चल रहा है सब उनसे, उनमें से अगर मैं पूछूं तो क्या चीज़ होनी चाहिए जो ख़त्म हो जाए। असल तो जरिए माश की हर चीज़ कम हो जाए, आटा महंगा, चीनी महंगी। सर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है, कोई अच्छा पॉलिटिशियन है जो बेहतर कर देगा पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। आया था या पहले कोई है? कोई भी नहीं, परवेज मुशर्रफ था। मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। यहाँ पर मैं तकरीबन लोगों से बात करता हूँ ना अक्सर, जो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में लोगों ने बोला है, वो कहते हैं मुशर्रफ का टाइम बड़ा अच्छा था, मुशर्रफ जैसा लीडर कोई नहीं है। ये बात तो हकीकत है। राइट सर, यहाँ पर अभी हम देखते हैं, पर और भी लोगों से आगे बात करते हैं, इस बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों ये मामले देखने में आते हैं। चले कराची वाले शुरू से भाई इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए, अमीर गरीब से गरीब आदमी जो है इस वक्त बिल के बोझ में दबा हुआ है, हर आदमी, मुझ समेत, आप समेत, जिससे पूछेंगे यही बात है कि आमदनी क्या है, ये पूरा एक माफिया है, और इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा हो रही है चीज़ें। तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक चीज़ कम की जा रही है, कराची के लिए क्यों की जा कम की जा रही है? मतलब नहीं तो कराची तो कराची मेन हब है, दुनिया यहाँ आती है, यहाँ से फायदा उठाती है, अदर स्पीकिंग ठीक है, लेकिन बात ये कि कोई सुनवाई नहीं है। उससे बात करी, थोड़ा सा अंदाजा ये होता है कि कराची के अंदर जितने भी आवाम है उनको शायद भरोसा तो नहीं रहा पॉलिटिशियन पे, लेकिन वो कहते यही है कि जो भी है बेहतर हो। खैर यहाँ पे और भी आगे लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, कहीं में जाएगा अभी। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम, हम लोग बात कर रहे हैं आज के पूरे पाकिस्तान में नेपरा की जानिब से अगर बिजली के रेट्स में कमी हुई है तो सिर्फ कराची के अंदर क्यों नहीं हुई, यानी कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए क्यों नहीं की गई। चलिए चल के कराची वालों से इसका सवाल पूछते हैं। नवाज शरीफ ने पहले एक दफ़ा चंदा नहीं मांगा था कि हम कर्ज उतारेंगे, तो ये भी मेरा ख्याल है कर्ज भर रहे हैं अपना, कोई उनका कोई केस चल रहा होगा इंग्लैंड में, तो हो सकता है उसके लिए चंदा ले रहा हूँ। हाँ तो कम कर दिया तो अच्छा किया, कराची से नहीं है, वैसे कराची से सोतेला है, कम तो सबके लिए गया, कराची के लिए तो नहीं गया ना, कराची से सोतेला है। जाहिर सी बात है कराची अगर इनका अपना होता, क्योंकि इन्होंने तो खाना ही यहीं से, इस वक्त अगर मैं पूछूँ तो वैसे मसाइल कराची के तो बहुत है, लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर मैं पूछ लूँ। हाँ भाई ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया फलाना, गड्ढे हुए हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, कोई एक ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हाल ही बहुत बुरा है। कोई ऐसा नजर आता है कि जो बेहतर कर देगा ये सारी चीज़ें? नहीं अल्लाह ना करे, ऐसा आ ही नहीं आज तक, आज तक नहीं आया, कोई था भी नहीं, कोई था भी नहीं, किसी हाल बेहतर नहीं देगा अली के बाद खत्म होंगे, थोड़ा बहुत तो बेहतर, कोई भी नहीं आया। कौन आया बताओ, मुशर्रफ के दौर कौन क्या किया उसने? नहीं मतलब उस दौर में भी कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं मुस्तफा कमाल के दौर, मुस्तफा कमाल आप सियासत पे ले जा रहे हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी अच्छा करता है अगर कोई कराची को अच्छा करे, वो तो सियासतदान हो, वो तो उनकी मजबूरी थी ना, वो उनकी मजबूरी थी, अच्छा हाँ वो उनकी मजबूरी थी, वरना मुस्तफा कमाल को नहीं लाते तो फिर पीपल्स पार्टी को कहाँ से दबाते, तो मजबूरी थी, पेमेंट करनी थी इनको, पेमेंट कर दी तो पूछना कुछ दिखाना भी, आधा दिखाया आधा खाया। अभी अगर जिस तरीके के ये सलूक देखते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स भी जो है वो भी कराची दे रहा है, तो लेकिन अगर आप अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि इन लोगों का अगर जो बैठे हुए हुक्मरान इनको बोलेंगे भाई जब सबके लिए हो रहा है हमारे लिए क्यों नहीं किया जा रहा, हमारे लिए क्यों नहीं किया जा रहा, हमारे लिए नहीं करेंगे, शायद करेंगे भी नहीं, नहीं करेंगे कराची के लिए नहीं करेंगे। मुर्तजा कमाल जैसे कुछ लोग हैं, मुर्तजा बाप मेयर बने हुए, अभी मुर्तजा बाप की तो ये कहो कि मैं मेरी नज़र में वो मेयर ही नहीं है, डमी है मेरा ख्याल है जहाँ तक,
अगर जैसे इसी दौरान अगर इस जगह पे मेयर मुस्तफ़ा कमाल जैसा होता, मैं उसकी मायती कर रहा हूँ। हाँ, जाहिर बात है मैं गैर सियासी बंदा हूँ। हाँ, नहीं, अगर आपको अगर अच्छा काम देगा कराची के अंदर तो बोले। कराची में देखा है उसके टाइम पे, जैसे आज ब्लॉक होते हैं ना रोड, 12 बजे से पहले लोग परेशान हो रहे होते हैं, उसके टाइम में 1 बजे 2 बजे के बाद बड़ी गाड़ियों को अलाउ था कराची में आने का। ठीक है, देखें जो अच्छाई है बताएं, मैं उसकी बिल्कुल बिल्कुल उसकी बात करूंगा, क्योंकि जो अच्छाई है ना उसकी वो मैं बयान करूंगा। अभी भी है वैसे मुस्तफा कमाल? नहीं, बिल्कुल है, अल्लाह उसे सलामत रखे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी उस पर नहीं कर सकते अगर वो बेहतर करते। अब यार देखें ना, इख्तदार की बात है ना दोस्त, अभी जो इख्तदार बना है ना वो आप कुछ समझदार हैं, आप मुझे कुरेदना चाहते हैं, मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मुझे घर भी जाना है। लिहाजत बात ये है तो भाई, जो जो दौर गुजर गया, जो दौर आ गया, उस दौर में आज वो हालात हैं हमारे, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं आज हम बिजली सड़कें गटर की लाइनों पे लड़ते फिर रहे हैं, एहतजाज करते फिर रहे हैं। मुझे पता है हुक्मरान हमारे पेरे हैं, नहीं सुनेंगे मेरे भाई, सुनेंगे। ठीक है ना, आज जो हालात है इस माशरे के हमारे कराची के, खास तौर पर कराची के, कराची के ऑनियर ये रखिएगा, ये मेरी बात आप बोलें। आज एक बंदा मेरी नज़र में उठा, वो है मुस्तफा कमल, जिसने कहा कि आज कराची के नौजवानों को हम तरक्की देंगे, काम दिलवाएंगे और मैं इस पे लड़ूंगा, और वो बंदा बेहतरी पे लाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल साहब से कहना चाहता हूं, बड़े भाई बड़े भाई, हमारी मदद के लिए हमारे नौजवानों की जो अज़म उठाया आप उसे पूरा करें, हम आपका साथ। और बिल के पैसे हमारे बिल्कुल के ये जो बिल वगैरह जो आ रहे हैं ना हमारे, ये नहायती, आपको पता है मैं तो भर ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो मकान मालिक ने भी ये कह दिया कि भाई घर खाली कर दो, जो एडवांस था वो बिलों की सूरत में मैं पूरा कर दिया है। तो भाई क्या करें, या काम कर लें कमा लें, या फिर हम बिल भरें। 50,000, 25,000, 30,000 के बिल आ रहे हैं, तनख्वाह मेरी 35,000 है, किराया मेरा 25,000 है, तो बताएं मैं किराया भरूं, बच्चों को खिलाऊं, या फिर ऐसा करता हूं कि बच्चे बीवियों को लेकर खुदकुशी कर रहा है, एक ही काम रह गया जो खुदकुशी है। तो भाई ये हालात आ चुके हैं ना, ये जो आज हमारे लड़के पिज्ज़ा हट्स की गाड़ियाँ फूड पांडा चला रहे हैं, ग्रेजुएशन है थोड़े, सर मेरे भाई जो बेचारा जेल काट के अंदरून सिंह बाहर सूबों से इधर आ रहा है जेल काट के, उसे अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। आप ये देखें, आज हम चल रहे होते हैं, एक छोटा सा बंदा हमारी तलाशी भी लेता है और उसके बाद पूछता है, हाँ भाई आप कहाँ के हो? अरे यार आप बताओ ना तुम कहाँ के हो, हम तो इसी कराची के हैं ना। बात यह है कि भाई मेरी तो हुक्मरानों से यही है कि खुदारा खोलो सैन के वास्ते, यार ये जो नौजवान नस्ल है ना हमारी, इनको बचा। ये जो आज नशों में पड़ रही है जगह जगह, मैं यही कहूँगा कि ये सड़कें, ये गटर, ये लाइनों, इनकी बातें तो छोड़ ही दो, बिजली कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, क्या बिल है, ये तो बाबा अदी जाने, अदी के घर वाले जाने। अस्सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र है भाई। सर एक तो आपको पता चला होगा शायद या नहीं पता चला, एक तो खुशखबरी की, तो खुशखबरी तो ये है कि नेपरा की तरफ से 1 रुपए कुछ पैसे जो है वो कम कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सिवाय कराची के इलेक्ट्रिक के ऊपर इसका नहीं है, वो आप लोग को पे करने पड़ेंगे। भाई इन लोगों ने कराची को ही खैर का गधा बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ ये चाहते हैं कि कराची नस्ल नाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये हुकूमत का यही पॉलिसी है बस। तमाम तरह के टैक्स भी यहाँ से, हर चीज है, हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, बिजली वालों को हम टैक्स दे रहे हैं, कचरे का टैक्स दे रहे हैं, हर चीज का हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद कचरे वाले आते हैं। ये तो केसी का काम है ना, आगे उठाए कचरा उठाए, जब टैक्स ले लिए तो कचरा भी उठाए। गैस का बिल हमारा 29,000 रुपए का आ गया, गैस आ नहीं रहा है, 29,000 रुपए का बिल आया हुआ, गैस आ नहीं रही है, गैस आ नहीं रही। अच्छा, तकरीबन जितने भी एरिया में चले तो देख सकते हो, अभी चल के देख सकते हो, वो तो मुझे अंदाजा होगा। हाँ। वैसे बिल्कुल होगा, जाकर आप कह रहे हैं तो किस्तें करवाई हैं, किसी महीने 15,000 भर रहे हैं, किसी महीने 5,000 भर रहे हैं, बिल नहीं, गैस नहीं आ रही है, लेकिन बिल, हाँ, लेकिन बिल आ रहा है। और ऐसे ही मैं खाली इलेक्ट्रिक का भी आ रहा है, लोड शेडिंग की वजह से थोड़ा सा मामला है, लोड शेडिंग की 37,000 रुपए का बिल आया मेरे घर में, फैक्ट्री थोड़ी है भाई, 120 गज का घर है, एसी वैसी चला रहे होंगे, हो सकता है एसी है ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बैठे एसी के, टीवी तक नहीं है। अच्छा, और क्या, तो ये जो मामला चल रहे हैं तकरीबन अगर देखते हैं तो भाई हर जगह के लिए हो गया, लेकिन कराची वालों के लिए नहीं गया गया है। अगर हम बात करते हैं कराची, लेकिन एक मिनी पाकिस्तान है, हर कौम हर जबान बोलने वाला यहाँ पर रह रहा होता है, यहाँ का रिहायशी भी है, क्यों, क्या समझ में आता है?
हमारी कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। दौर कौन सा अच्छा था? दौर बेनज़ीर का अच्छा, जो बात है हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ अच्छी थी। एक एक रुपए की हम पान बेचते थे, उसमें भी एक रुपए का पान था। तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन उसके महंगाई बढ़ी है इतनी जितनी इमरान खान ने कर दी है, इतनी थोड़ी थी भाई। हाँ, इमरान खान की बहुत ज्यादा कर दी है। अगर आपने बेनज़ीर की बात करी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी, मुर्तजा आवाब साहब, अब कोई भी नहीं, कराची अब कोई भी सही नहीं, अब कोई भी ना कोई बेहतर भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अब बेहतर कर ही नहीं सकता, सब अपने अपने उसमें लगे हुए, कौन करेगा भाई। हम तो लावारिस हैं, कराची वाले लावारिस, बिल्कुल लावारिस हैं। कोई वारिस उठे, कोई सही का उठे और जो इसको संभाले, वरना आप हालत देख रहे हो बाजार की क्या हो रही है। कोई लगता है कि किसी पार्टी से कोई सही का उठेगा और कराची के लिए कुछ बेहतर? नहीं, हम किसी पार्टी वार्टी से बहस पे नहीं है। जो देखा हमने अपनी उम्र से, जो देखा वो बता रहे हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। और वो बहुत अच्छी लगती थी वो, उसकी वजह ये है कि उसने काम किए, काम किए। अब जैसे मुस्तफा कमाल भाई थे, उन्होंने भी काम किए, वो तो अभी भी रोड बनाए, सब किए, लेकिन अब तो वैसे तो नहीं है ना वो। कैसे? हाँ, अब काम, जो काम करेगा भाई उसका गाएंगे, जिसका खाओगे उसका गाओगे। हो सकता है मुस्तफा कमाल साहब तो हैं, कुछ करते हैं, कुछ बेहतरी करते हैं अभी भी। हो सकता है कर दें, अल्लाह बेहतर करेगा उनकी पार्टी, कोई भी करे भाई, कराची को सुधार दे। कोई भी बात करिए, ये बात करी ना आपने, कोई भी करे कराची को सुधार दे, कराची को। मैं आपने फिर जिस तरीके से बात कर रहा हूँ कि भाई आप कराची वालों से उसके मसाइल ही पूछो, तो वो कहते हैं कि कोई भी आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, लेकिन कराची को बेहतर कर दे, वही हमारे लिए बेहतर होगा। तो अभी सर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो एक ही चीज़ बैठे हुए चुप करके। भी लगता है कि कोई कोई बेहतर करता है? आपने जिस तरीके से, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक का जिस तरीके से पूरे हर जगह पे नेपरा ने जो है वो करी है, सिवाय कराची को छोड़ के, अब तो कुछ नहीं लगता। ये तो अल्लाह पाक कोई अपना करिश्मा दिखाए तो दिखाए, बाकी कोई लीडर या कोई, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। उम्मीद खत्म हो गई है, उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि हर आदमी बेईमान है, हर आदमी बेईमान है, सब चोर हैं, सब झूठे हैं। अब ये वाली कहानी चल रही है सारी कि बोले ये चोर है, वो बोला ये चोर है, वो बोला ये चोर है, चोर सारे बर्बाद कर दिया। घर के बिल हमारे आए अभी 45,000 रुपया बिल आया, कैसे भरेंगे? मकान है किराए का, हाँ मकान किराए का है, 45,000 रुपये घर का किराया है। दो कमाने वाले हैं, अच्छा दो बंदे कमाने वाले हैं, बिल भी दे दिया भाई ने, जो एक दो बंदे कमाने वाले वो कैसे गुजारा करेंगे? या घर की रेडी को भीख मांगने के लिए निकालें, बच्चे पढ़ाएं, खाना खाएं, क्या करें? राशन डलाएं घर के अंदर, जमात ने तो हमें लिटा दिया। अच्छा अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि जितने भी आप घर के चलाने के लिए होते हैं, अगर इसमें से एक बिल कम कर दिया जाए तो कौन सा बिल होगा वो? यार बिजली का बिल कम कर दिया है, खत्म ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, घर चल जाएगा, ऐसा चलेगा, VIP चल जाएगा घर। गैस तो आदमी बर्दाश्त कर लेता 2,000-4,000 रुपये, ये बिजली मार देती आदमी को। अब तो गैस भी, गैस भी 4,000-5,000 बिल आया। अगर आप क्या समझ रहे हैं जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कमी की गई है, लेकिन कराची को छोड़ दिया, वजह क्या नजर आती है? वजह ये नजर आती है बर्बाद कर रहे हैं हमें ये लोग, रोड पे लाना चाह रहे हैं, औरतों को भी रोड पे लाना चाह रहे हैं, बोले भीख मांगो। हमारे पास यही है, कोई ठिया कोई लगाते हैं, वो ठिया उठा के ले आते हैं। अभी हमने इधर जमात ने हमें इधर ठिया लगाया, मैंने वो ठिया उठा। अभी क्या लग रहा है कि जो कराई जो बिल्स वगैरह का जो हमारे, मेरे ख्याल से ये आप लगता भी नहीं है कुछ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। अभी बिल नहीं भरेंगे, अभी आगे लाइट काट देंगे, क्या कर लेंगे भाई? भत्ते देते रहो, भत्ते देते रहोगे सही रहेंगे, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं, अल्लाह माफ करे, नशों में लग गए, नशों में लग गए, भीख मांग रहे हैं, पढ़े लिखे BCOM करा हुआ बंदा हाथ फैला रहा है, आपके पास चुपचाप से आएगा, सर 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या करूं? मैं इसके पास जाता हूं, वो ये बोलता है, उसके पास जाता हूं, ये बोलता है, हमारे आंसू आ जाते हैं देखते। अच्छा, हर बंदा जो है हर महीने कर्जों में भर दिया बिल्कुल, अभी इससे कर्जा ले रहा हूँ, कभी उससे कर्जा ले रहा हूँ, अभी इसका उतार रहा हूँ, उसका चढ़ा रहा हूँ, ये कहानी चल रही है, रोलिंग चल, बच्चों की फीस डबल हो रही है, बंदा करे तो करे क्या? बहुत बुरा हाल है मेरे ख्याल से, अल्लाह करे भाई इन बनानों को भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कोई अमीर नहीं रहता, कराची के अंदर भी मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, गरीब भी हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आप 1-1.5 रुपये भाई पूरे मुल्क के अंदर कम कर रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर भी कम करते हैं, कोई इसमें वो नहीं होगा कराची वाले को। यहाँ पर जिस तरीके से हमने जितने भी लोगों से बात करी, क्यों उनको भरोसा खत्म होता जा रहा है? क्यों आप सोचते हैं कि यार कोई भी पॉलिटिशियन, जितने भी लोग बैठे हुए हुक्मरान बैठे हुए, हमें कोई यकीन नहीं, क्यों नहीं है? यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात करी, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आप कुछ कर नहीं रहे कराची के लिए, कुछ करोगे कराची के लिए, कुछ दिखेगा कराची, ये वो कराची वाले हैं कि अगर आप इनके लिए कुछ कर दो, आप कोई भी पार्टी हो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट भी देंगे, लेकिन जब आप कुछ करोगे ही नहीं, तो मेरे ख्याल से भाई हुकूमत किस पे करोगे यार?
खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं भिरा दूंगा, आप शहर और टीम जस्सू जी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।